सितंबर 2024 कई मायनों में खास है। इस महीने में जन्मे लोग आमतौर पर अपने विचारों को खुलकर रखने वाले और मेहनती होते हैं। इनकी कुछ कर जाने की जिद इन्हें जीवन में बहुत सफलता दिलाती है। साथ ही सितंबर के महीने में जन्मे लोग जीवन में आने वाली समस्याओं का जल्दी समाधान खोजने में बहुत ही माहिर होते हैं। इस महीने में पैदा हुए लोग अक्सर वैज्ञानिक, शिक्षा, सलाहकार या राजनीति जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि मंगल ग्रह का प्रभाव होने के कारण इस महीने में पैदा हुए जातकों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये भावनाओं को छुपाकर रखने में भरोसा नहीं करते। इनके इसी स्वभाव के कारण इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अक्सर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन समय के साथ ये स्थितियों को सुधार लेते हैं। सितंबर ग्रहों की चाल के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं आने वाले सितंबर के महीने में लोगों के पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, करियर, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य पर ग्रहों की चाल का क्या असर रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना काम के लिहाज से बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान आपको अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जातक नौकरी की तलाश में है वो इस महीने अपना करियर बदलने का सोच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर कला और संगीत की तरफ जाएगा और इसलिए आप कोई नया वाद्य यंत्र सीखना चाहेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई में रुचि लेंगे और शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सितंबर के महीने में आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और घर में किसी शुभ कार्य के होने की प्रबल संभावनाएं हैं। वाणी दोष से बचने के लिए और अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मेष राशि के जातकों को थोड़ा कम बोलने और दूसरों की बात को ध्यान से सुनने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन कभी कभी खुद को ज़्यादा काम में अटका लेने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए खुद को समय ज़रूर दें। उपाय के तौर पर अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। इस महीने आपका लकी रंग रहेगा लाल और लकी नंबर है 1 और 3। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। सितंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए भविष्य की योजनाओं के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस समय आपके अपने भविष्य को लेकर की गई सभी कोशिशें साकार होने वाली हैं। सितंबर का ये महीना आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लेकर आएगा और आपको सामाजिक व्यवहारिकता की ओर लेकर जाएगा। करियर के लिहाज से की गई आपकी सभी कोशिशें और मेहनत रंग लाएंगी। आपके सीनियर्स आपकी काबिलियत की तारीफ करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको अपने साथ काम करने वाले साथियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षकों के निर्देशन में आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो वृषभ राशि को अपने रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बिना वजह के तनाव और कलह से खुद को दूर रखें। इस दौरान लोग आपसे अपनी परेशानियों के लिए सलाह ले सकते हैं और आपसे मदद की उम्मीद भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी क्षमता से अधिक बोझ अपने ऊपर ना पड़ने दें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको तनाव मुक्त जीवन और खुशहाली प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर सितंबर के महीने में किसी भी शुक्रवार को छोटी कन्याओं को चावल से बनी हुई खीर खिलाएं। इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और हर रोज़ माँ दुर्गा के चालीसा का पाठ करें। लकी रंग आपके लिए इस महीने रहने वाला है सफ़ेद और लकी नंबर रहेगा 2 और 7। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी व्यस्तता भरा रहने वाला है। बहुत सारे काम आपके पास एक साथ इकट्ठे होंगे जिन्हें संभालने में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले सभी कामों को आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा और तेज़ दिमाग से बखूबी कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि बहुत सा प्रेशर एक साथ आने की वजह से आप थोड़ा सा मानसिक तौर पर खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने कामों की प्राथमिकता निर्धारित कर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये महीना बहुत मुश्किलों से भरा रहने वाला है। इस दौरान आप पढ़ाई में थोड़ी रुचि खो सकते हैं। इससे आपके माता पिता की चिंताएं भी बढ़ जाएंगी और वो आपके भविष्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चिंताएं घेरी रह सकती हैं। रोजाना मेडिटेशन करना आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। सामाजिक तौर पर यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको नए लोगों से मिलने और नए रिश्तों को मजबूत करने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन सामाजिक जीवन और काम के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इतने सारे कामों के बीच आपको थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। आप ध्यान या कोई ऐसा शौक जिसके लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हो कर सकते हैं। एक अच्छी दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद होगी। उपाय के तौर पर गणपति जी की पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। रोजाना गणपति चालीसा का पाठ जरूर करें। इस महीने आपका लकी रंग रहेगा हरा और लकी नंबर रहेगा 3 और 5। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो सितंबर का महीना आपको आपके करियर के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक अच्छा मौका है जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में दोबारा जांचें और देखें कि आप जो कर रहे हैं वह आपके जीवन के मूल्यों से मेल खाता भी है या नहीं। भले ही आपको कोई भी बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन आप जो नींव अभी डाल रहे हैं वो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अगर आप पढ़ाई को लेकर असमंजस में हैं तो साल के 9वें महीने में आपको राहत मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी खबर मिलने की उम्मीदें हैं। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। आपको नौकरी के लिए नए अवसर मिलेंगे। निजी जीवन में इस महीने आप थोड़े से भावुक रह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी भावनाओं को समझें और आपके जज्बातों को संभालने में आपकी मदद करें। नए लोगों से मिलने के बजाय पुराने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए विश्वास और वफादारी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। ऐसी गतिविधियां करें जिससे आपको सुकून मिले, जैसे कि योग, ध्यान या किताबें पढ़ना। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर इस महीने शिवलिंग में दूध में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। लकी रंग आपके लिए रहने वाला है सिल्वर या पर्ल वाइट और लकी नंबर आपका रहेगा 2। सिंह राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास, आपके नेतृत्व के गुण इस समय चरम पर होंगे। इस दौरान आप लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे और आपकी बातों पर लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इस समय का यदि बखूबी उपयोग करते हैं तो आपके कदम सफलता चूमेगी ज़रूर। बस ध्यान रखें कि अपने फैसले लेते समय आप कोई घमंड ना करें। अगर आप पत्रकारिता, मैनेजमेंट या कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर में आपको सफलता मिल सकती है। निजी जीवन में आपके बात करने की शैली, दूसरों की छोटी छोटी बातों को समझ लेने की कला आपकी ओर आकर्षित करेगी। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ आप खुशी भरे पल बिताएंगे। कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। रिश्तों में आपसी सम्मान और समझ आपके रिश्ते को और भी गहरा बनाएगी। इस महीने आप खुद में भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करें। खुद को ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। ज़्यादा बाहर खाने पीने से बचें क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्य बीज मंत्र या आदित्य हृदय स्त्रोत्र का 3 बार पाठ करें। लकी रंग आपके लिए सुनहरा और पीला रहेगा। लकी नंबर की अगर हम बात करें तो वो है 1 और 5। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी व्यस्तता भरा रहने वाला है। इस महीने में आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने और नए कौशल सीखने में अपना ज़्यादातर समय बिताएंगे। इस महीने आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करने से बचें। अगर आप भूगोल, इतिहास या चिकित्सा के छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस समय में आपको रिश्तेदारों से थोड़ा बचकर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ रिश्तेदार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको नियमित व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको अपने खाने पीने पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। समय पर उठना, समय पर सोना और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है।
ऐसा करने से आप तनाव मुक्त रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए हर बुधवार को भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। लकी रंग आपके लिए रहने वाला है हल्का हरा या फिर घास के रंग का जो हरा होता है वो। लकी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके लिए 5 और नंबर 9। तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए या आपसी साझेदारी के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। काम की भागदौड़ में नज़रअंदाज होते पारिवारिक रिश्तों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। लोग आपकी कूटनीतिक क्षमता की प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन इस दौरान अपनी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सितंबर में तुला राशि वाले लोगों को दूसरों के साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। कार्यस्थल पर नई दोस्ती हो सकती है और करियर में तरक्की के मौके बन सकते हैं। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। योग और ध्यान करने से आप तनाव मुक्त रहेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। साथ ही आप स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं और माँ दुर्गा के दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लकी रंग अगर हम बताएं तो आपके लिए लकी रंग रहने वाला है गुलाबी और लकी नंबर इस महीने आपके लिए रहेगा नंबर 6। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए गहनता और दृढ़ संकल्प से भरा रहेगा। इस अवधि में आप अपने काम में डूबे रहेंगे और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने ऊपर बहुत अधिक कठोर होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नए विचारों के प्रति खुले रहना और लचीला होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। इस महीने आपके व्यक्तिगत रिश्तों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आप अपने करीबी लोगों के बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं और अपने आंतरिक दायरे में किसको शामिल करना है इससे पहले अच्छी तरह सोच लें। ऐसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये आपको मानसिक तनाव और भावनात्मक दुख से बचाने वाला है। लेखन, कला या किसी भी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही पर्याप्त आराम करना भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकें। उपाय के तौर पर आपको रोज़ाना हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। लकी रंग आपके लिए गाढ़ा लाल या मेहरून रहने वाला है। लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। धनु राशि की बात करें तो सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए ज्ञान प्राप्ति और नए अवसरों की खोज का समय होगा। आप अपने ज्ञान प्राप्त करने या अपने करियर में नई दिशा तलाशने के लिए उत्सुक रहेंगे। इस महीने नए कोर्स या व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय है। हालांकि अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाएं और अपने ऊपर एक साथ बहुत सारे काम ना लें। इस महीने आपको अप्रत्याशित सफलता और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो इस महीने के मिड तक आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और उत्साही रहेंगे। अपने समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़े और दोस्तों के साथ यात्राओं पर जाएं, लेकिन इस उत्साह में महत्वपूर्ण कामों को भी बिल्कुल ना भूलें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रहें और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल हों। प्रकृति से जुड़ने के लिए बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद होंगी, लेकिन अधिक मेहनत करने से बचें और आराम करना बिल्कुल ना भूलें। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। लकी रंग आपके लिए नारंगी या केसरिया रहने वाला है और लकी नंबर की बात करें तो वो है नंबर 3। कुंभ राशि वालों के लिए नए विचारों और बदलावों से भरा रहेगा। आप अपने काम में नए तरीके अपनाने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपकी रचनात्मक सोच की सराहना की जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को व्यवहार में लाने के लिए ठोस योजनाएं अपनाएं। इस महीने में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और आय में कमी आ सकती है, जिससे आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सामाजिक रूप से आप उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो आपके भविष्य के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। दूसरों की सहायता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपके विचार समूह के हित के अनुरूप हों।
रिश्तों के मामले में छोटे मोटे मतभेदों को नज़रअंदाज करके आप अपने परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। अकेले रहने से बचें, दूसरों के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें, ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी बुद्धि रचनात्मकता को बढ़ावा दें। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा आहार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उपाय के तौर पर हर शनिवार शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर जाएं और शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं। लकी रंग आपका रहने वाला है काला और लकी नंबर आपके लिए है नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। सितंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए रचनात्मकता और आत्मज्ञान से भरपूर होगा। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं या ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके विचार व्यवहारिक हों। भावनात्मक रूप से आप दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे और ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक अच्छा समय है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों की समस्याओं में इतना अधिक ना डूबें कि आप खुद को भूल जाएं। अपनी भावनाओं को संतुलित रखने के लिए अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ध्यान, कला या प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये गतिविधियाँ आपको शांत रहने और अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने में मदद करेंगी। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। लकी रंग की अगर हम बात करें तो आपका लकी रंग रहने वाला है पीला और लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है 3 और 5।